हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड माय नेम इज़ विकास राणा स्टूडेंट्स हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी पी मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं हमारा जो सेशन है हमारा जो कोर्सेज है, है ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन हैं हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको कॉन्टेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में आपको क्या करना है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से जो कि आप इजीली कैरियर क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड वन

नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको हंड्रेड क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट पी मिलेगी वो आप रिविजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एक्सप्रियस हैं इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं चाहे वो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश त्रिपुरा तेलंगाना कोई भी स्टेट हो नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स स्पोर्ट्स डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्स एंड वेब पोर्टल्स नेम द टॉपिक और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं जो भी एम ओ यू साइंस किए जाते हैं जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट जहाँ पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पर प्रोवाइड हेलो एवरीवन तो आज की वीडियो में हम फोर्थ वीक ऑफ मे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे काफ़ी हेल्पफुल रिवीजन सेशन रहेगा ये आपका एंड जो भी बच्चों को नई चीज़ें इसमें आज मिलती हैं तो नोट्स जरूर बनाना करेक्ट नोट्स बनाओगे एग्जाम से पहले रिविजन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने को मिलेगा ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं नेम द मिनिस्ट्री जिनके द्वारा अभी मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये कैंपेन लॉन्च किया गया टू प्रमोट द थ्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट थ्री आर्स हमने पढ़े हैं कौन से कौन से होते हैं रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस इससे क्या है कि हमारा जो पॉल्यूशन है जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हमको रीयूज़ करें रिसाइकिल करें, रिड्यूस रिड्यूज़ करें जिससे जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जा सके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करें हम पोल्यूशंस को रिड्यूस करके अपने सिटीज़ को क्लीन बनाएं और अगर आपको याद हो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू का एम क्या था थीम क्या था टू मेक सिटीज़ गार्बेज फ्री करेक्ट तो यही याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री के द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन लॉन्च किया गया टू प्रमोट थ्री आर्स वो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करेक्ट याद रखेंगे इसको नेक्स्ट एज पर द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 2023 की एक डाटा रिलीज किया गया बीसीजी के द्वारा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा जिसमें बताया गया यह जो डाटा है ना यह टॉप फिफ्टी मोस्ट इनोवेटिव का डाटा है दो का इसमें इंडिया की वो कौन सी और एक लौती कंपनी है जिसकी बीसवीं पोजिशन थी वो है टाटा ग्रुप करेक्ट एज पर द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी 2023 रीचिंग न्यू हाइट्स इन अनसर्टेन एक रिपोर्ट थी बीसीजी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा इसको रिलीज किया गया एंड यहां पे टाटा ग्रुप आपका ओनली इंडियन की, की टॉप 50 मोस्ट लिस्ट में आती है 2023 की जिसकी 20वीं पोजीशन रही यहीं पर टॉप करने वाली कंपनी कौन सी रहेगी वो है एप्पल इनकॉर्पोरेशन ठीक है एप्पल की कंपनी फॉलोड बाई टेस्ला आपकी सेकेंड पोजिशन पे और इसके बाद थर्ड पे आ जाता है एमेजॉन चलिए नेक्स्ट पे अगर मैं आपसे पूछूं अभी रिसेंटली पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ तो ये कोलकाता में हुआ था ठीक है पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल फिर अभी झारखंड हाई कोर्ट की बिल्डिंग को इनग्रेट किसके द्वारा करा गया था तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनोग्रेट किया गया देन अभी रिसेंटली किन दो स्टेट्स के बीच में एमओयू साइन हुआ टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गोवा एंड उत्तराखंड स्टेट के बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया फिर स्मर्थ कैंपेन यह स्मर्थ कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है करेक्ट इसी के साथ साथ अभी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल हुई थी कौन सी मीटिंग थी एट्थ मीटिंग थी किसके द्वारा चेयर की गई पीएम मोदी के द्वारा इसको चेयर किया गया फिर इसके बाद आ जाता है योगा फेस्टिवल योगा फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? हैदराबाद में करेक्ट फिर जी ट्वेंटी की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पे हुई जी ट्वेंटी की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग और ये सेकंड एडिशन था इस मीटिंग का कहां पर हुई ऋषिकेश में ठीक फिर अभी पहली मुंसिपल कॉरपोरेशन टू यूज सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो कौन सी बनी है पटना बिकेम द फर्स्ट मुंसिपल कॉरपोरेशन टू यूज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ठीक प्रधानमंत्री जे डी वाई कौन सी किन्ों ने टॉप किया इसमें हंड्रेड परसेंट कवरेज के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए वो है तेलंगाना ठीक नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक की एनुअल रिपोर्ट आई स्टेट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2023 की ये मई में, में रिलीज की गई इसमें बताया कि जो कार्बन टैक्सेस एंड एमिशन ट्रेड सिस्टम से जो रिवेन्यू कलेक्ट किया गया है रिकॉर्ड हाई ऑफ अबाउट नाइनटी फाइव बिलियन डॉलर 2023 में यही डाटा अगर फिर 2021 की बात करूं तो कार्बन टैक्स एंड ईटीएस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम से जो अमाउंट कलेक्ट किया गया था वो कितना था 2021 में तो वो था एटी फोर बिलियन डॉलर तो हम देख रहे हैं ये बढ़ रही जा रहा है और इस बार दो में नाइन्टी बिलियन डॉलर कलेक्ट किया गया था नेक्स्ट उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया जर्नल शॉर्टी बॉन्ड्स बीमा फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये जर्नल शॉर्टी बॉन्ड बीमा एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना जैसे आपका कोई भी इंश्योरेंस होता है उसके लिए सिमिलर टाइप ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्रियल एक रियल एस्टेट डेवलपर है आप काफी सारे वो फ्लैट्स डेवलप करता है और उनमें से एक फ्लैट आप बाय कर लेते हैं करेक्ट और वो फ्लैट फिर बन के रेडी नहीं होता है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको उस अमाउंट का है उस फ्लैट का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी इसीलिए ये एक जर्नल शॉर्टी बॉन्ड बीमा था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी इंश्योरेंस के अंडर लाया जा सके तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये एस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था नेक्स्ट उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया पहला डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी टू एनेबल इजी इंस्टॉलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स फॉर मर्चेंट्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को स्टेब्लिश करने के लिए यह सारथी किसके द्वारा लॉन्च किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा ठीक है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे आपका पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स को आप लॉन्च कर सकते हैं सेटअप कर सकते हैं एंड इससे आप क्यूआर कोड से टच से आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे यूजिंग क्रेडिट कार्ड इवन डेबिट कार्ड ऑल्सो नेक्स्ट नेम द स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने रिसेंटली इनाग्रेट किया एक ऑनलाइन रूलर एजुकेशन प्रोग्राम पहल ये पहल क्या है ये यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे यहाँ पर आपके इस पहल के अंडर आपको याद रखना है एजुकेशन पे बात की जाएगी ठीक है सेकेंडरी एजुकेशन की बात की जाएगी और यहां पर एक आईआईटी कानपुर का भी याद रखेंगे इन्होंने भी इस पहल कैंपेन को लॉन्च करने की मदद की गई है यहां पे यह अभी 10 सेकेंडरी स्कूल्स में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में और इनको बढ़ा के अब चालीस हजार गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में कर दिया जाएगा इन द स्टेट ऑफ यूपी ठीक है ये क्या है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पहल ठीक है यूपी में लखनऊ नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो नेपाल में है उसके लिए अप्रूवल अभी किस से, लिया गया? इंडिया से उसको अप्रूवल मिल गया ठीक फिर अटल भूजल योजना वाटर स्कीम इसको कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है दो साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ठीक अभी रिसेंटली नमो सेहतकारी महासन्मन योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया फिर उड़ीसा के द्वारा मोघर स्कीम को भी लॉन्च किया गया ठीक है यह नई हाउसिंग स्कीम है फिर खीर भवानी मेला खीर भवानी मेला यह ऑब्जर्व किया गया खीर भवानी मेला तो कश्मीर वैली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था खीर भवानी मेला ठीक फिर इंडिया के उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताओ जिसकी रैंक सेवेंटी फिफ्थ आती है इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट ऑफ फाइव हंड्रेड तो सेवेंटी फिफ्थ रैंक पे इंडिया का कौन सा सुपर कंप्यूटर आ जाता है एरावत करेक्ट नेक्स्ट याद रखना अभी सिडनी के हैरिस पार्क को इसकी रीनेमिंग कर दी गई है और इसका रीनेमिंग करके इसको क्या बोला गया है लिटल इंडिया ठीक है हैरिस पार्क को रीनेम करके क्या कर दिया गया है लिटल इंडिया नेक्स्ट द इंडियन एंड खो खो टीम्स क्लें द टाइटल एट द फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुई तमलपुर में और तमलपुर कहां पर है असम में तो हम कह सकते हैं एशियन फोर्थ एडिशन ऑफ द एशियन खो खो चैंपियनशिप कहां पर हुई थी असम स्टेट में हुई थी नेक्स्ट अभी इंडियन नेवल शिप वेसल जो रिसेंटली रिटर्न टू गोवा हंड्रेड एंड एटी एट डेज वॉयज वो क्या रहेगा उसका नाम आई एन एस वी ये एक हंड्रेड एंड एटी एट डेज के बाद गोवा रिटर्न कराए ठीक है नेक्स्ट इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताओ जो है बताई देते हैं एरावत इसकी क्या रैंक है ये पूछी गई है सेवेंटी फाइव रैंक थी इन द सिक्सटी फर्स्ट एडिशन ऑफ द टॉप फाइव हंड्रेड ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट जो कि इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज की गई जर्मनी में एक और क्वेश्चन बन गया इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी दो की तो ये जर्मनी में हुई थी इसके साथ साथ याद रखेंगे जर्मनी में तो अभी रिसेशन चल रहा है ठीक है ऑफिशियली जर्मनी रिसेशन में आ चुका है तो क्या ना रैंक थी एरावत की ये सेवनटी फिफ्थ रैंक पे था करेक्ट नेक्स्ट विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट थ्राइविंग मेकिंग सिटीज ग्रीन रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इन चेंजिंग क्लाइमेट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू पॉलिसी मेकर्स ऑन हाउ टू क्रिएट ग्रीनर मोर रेजिलियट एंड इंक्लूसिव सिटीज तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई है ताकि जो हम आने वाले टाइम पे जो सिटीज को डेवलप करेंगे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने चाहिए इससे क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा जो सिटी है जो इन्वायरमेंट जो हमारी सिटीज होगी वो एक सर्कुलर इकोनॉमी पे वर्क करेगी सस्टेनेबल इकोनॉमी पे वर्क करेगी और वहां पर जो भी आपकी कंपनियाज आएंगी या फिर जो भी वहाँ पर सेक्टर डेवलप होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करते हुए उसको ध्यान में रखते हुए उसको डेवलप किया जाएगा ठीक है तो ये डाटा किसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाएगा एक डाटा रिलीज किया गया था कि पीपल लिविंग इन सिटीज इंक्रीज कर जाएंगे फ्रॉम 1.19 बिलियन टू 4.46 बिलियन बिटवीन 1970 से 2021 एंड यहां पर हम देखेंगे यही आपका 70 परसेंट ग्लोबल ग्रीन हाउस मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इवन आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो हम सिटीज को डेवलप कर रहे ना तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन शहरों गांव को छोड़ के अब शहरों की तरफ जाएगी नेक्स्ट ई ऑफिस पोर्टल ऑफ पी सी आई एम एन एच एंड ऑनलाइन पोर्टल यह भी इनग्रेट करेगा किसके द्वारा तो सरबंदना सोनोवाल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हैं इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था ई ऑफिस पोर्टल एंड ऑनलाइन पोर्टल नेक्स्ट ए आई एफ एफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने डिक्लेयर किया कि हम हर साल तेईस जून को आई एफ एफ ग्रास डे ऑब्जर्व करेंगे टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बैनर्जी प्रदीप कुमार बैनर्जी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 23 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे ये आपका ए आई एफ एफ ग्रास डे ठीक है याद रखेंगे इसको प्रदीप कुमार बैनर्जी 1936 में इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल नेक्स्ट नेम द पर्सनैलिटी हुज़ बिन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया आई ए एम ए आई के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम बताओ वो है हर्ष जैन हर्ष जैन रिप्लेन किन रिप्लेस किन को करेंगे संजय गुप्ता को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ आई ए एम ए आई और ये ड्रिले ड्रीम इलेवन जो कंपनी है उनके फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये अभी ठीक है और आने वाले दो साल तक ये इस पोजीशन को संभालेंगे ऑफ द चेयरमैन ऑफ आई एम ए आई नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आ जाते हैं आपसे मैं पूछूं कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन जैसे फीबा के, फीबा के क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इसके जो नए प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है के गोविंद राज ठीक हर्ष जैन हम देख ही चुके हैं ये नए चेयरमैन बने हैं आई ए एम ए आई के फिर आर दिनेश इनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ सी आई आई कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेजिडेंट फॉर 2023-24 के लिए कौन बने हैं वो है आर दिनेश देन यूपीएससी के मेंबर कौन अपॉइंट किए गए हैं सुमन शर्मा कर्नाटका बैंक के नए एम एंड सी कौन अपॉइंट किए गए हैं वो हैं श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा जी देन सी सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर बने हैं वो कौन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नाइजीरिया के प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं बोला अहमद ठीक फिर इसी के साथ साथ स्माइल कैंपेन स्माइल कैंपेन अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था इनके ब्रांड एम्बेडर कौन अपॉइंट किए गए सचिन तेंदुलकर जो कि अपॉइंटर इंडियन क्रिकेट प्लेयर है नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्कशॉप ऑन स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन अंडर स्टार्स प्रोग्राम पूछा जा रहा है इन डैश कहां पर यह ऑर्गेनाइज कराया गया था तो ये आपका ऑर्गेनाइज कराया गया था मुंबई महाराष्ट्र में ठीक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिलके एंड फर्स्ट ऑफिस का काइंड स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन था ये अंडर स्टार्स प्रोग्राम ठीक है याद रखेंगे कहां पर मुंबई महाराष्ट्र में नेक्स्ट डैश बिकेम इंडिया फर्स्ट फुली ई गवर्न स्टेट बाय डिजिटाइजिंग अ रेंज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर प्रॉम्प्ट एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी टू देयर सिटीजन तो कौन सी है वो है केरला स्टेट बन गई है पहली फुली ई गवर्नड स्टेट मतलब आपकी जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं सारी ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं एंड मोर देन 900 हंड्रेड यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द केरला स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट साइंड एन एमओयू विद यूनियन गवर्नमेंट टू इनिशिएट द डिजिटल क्रॉप सर्वे छह स्टेट के द्वारा यह साइन नहीं किया गया है जिसमें असम है गुजरात है मध्य प्रदेश है उड़ीसा है राजस्थान है एंड उत्तर प्रदेश है तो इसमें से पूछा गया कौन सी स्टेट नहीं है विच ऑफ हैज नॉट साइंड एन एमओ तो इन छह स्टेट्स ने एमओ साइन किया है और जिसने नहीं किया है वो है बिहार नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट डेज डिस्कवर डिस्कस करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं 28 मई को अट्ठाइस मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर व्यूमेन हेल्थ ऑब्जर्व करते हैं अट्ठाइस को ही मैंस्ट्रल हाइजीन डे भी ऑब्जर्व करते हैं एंड वर्ल्ड हंगर डे भी ऑब्जर्व करते हैं अट्ठाईस को ही फिर उनतीस को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यू एन पीस कीपर्स उनतीस को ही हम ऑब्जर्व करते हैं आपका वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे उनतीस को ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी ऑब्जर्व किया जाता है फिर आ जाते हैं तीस मई को इंटरनेशनल सॉरी तीस मई को आ जाता है गोवा स्टेटहुड डे गोवा स्टेटहुड डे आपका 30 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और 31 को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे और वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको करेक्ट चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी नेशनल एक नेशनल टाइजर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक ग्यारह मेंबर की चीता प्रोजेक्ट टाइगर स्टीयरिंग कमेटी को सेटअप किया गया फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता हम जानते हैं चीतास को कुनो नेशनल पार्क में सेटअप लाया गया था इन मध्य प्रदेश एंड इनमें से अभी तक छीतास की डेथ हो चुकी है इसी इनकी डेथ को मॉनिटर करने के लिए कि क्या इनको क्लाइमेट सूटेबल नहीं लग रहा है या फिर कैसी दिक्कत है कि चीतास की यहां पर डेथ होती हुई दिख रही है इसके लिए एक ग्यारह मेंबर की कमेटी सेटअप की गई थी और ये जो ग्यारह मेंबर की कमेटी है इनको चेयर किया जाएगा राजेश गोपाल जी के द्वारा ठीक है नेक्स्ट अगर यहीं पे आ जाए कि टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था तो 1973 में आया था नेक्स्ट मोहद अल हिंदी 2023 ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में कंडक्ट कराई गई लोकेशन सऊदी अरेबिया ही रहेगी और किस एडिशन की कौन सा एडिशन था इस इंडिया सऊदी अरेबिया बायोलिटल नेवल एक्सरसाइज का मोहद अल हिंद 23 का जो कि सऊदी अरेबिया में कंडक्ट कराई गई ये था आपका सेकेंड एडिशन ठीक है सेकेंड एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज फिर यहां पे याद रखेंगे कौन से दो इंडियन नेवलशिप ने पार्टिसिपेट किया आई एन एस तर्कश एन आई एन एस सुभद्रा इन दो इंडियन नेवलशिप ने पार्टिसिपेट किया इन इन दिस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट दो हजार तेईस ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी आईई ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इनमें द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज डैश इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल ये बोल रहा है ये डाटा बताता है कि जो हमारी क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोले इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिला है बाई सेवेंटी परसेंट एज कम्पेयर टू देट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू ठीक और एक डाटा बताता है कि टू पॉइंट एट ट्रिलियन डॉलर तक का हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है इन दिस एनर्जी सेक्टर इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अलोन नेक्स्ट नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली साइन किया 141.12 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट विद इंडिया टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन आंध्र प्रदेश एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे अभी टाइप किया है ताकि आंध्र प्रदेश स्टेट में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हाई क्वालिटी का डेवलप किया जा सके और इसके लिए एक मिलियन डॉलर का लोन सेंक्शन किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इको रैप रिपोर्ट जो कि एस के द्वारा रिलीज की गई थी मे में, में यहाँ पर इंडिया का जो जी प्रोडक्ट है उसमें ग्रोथ देखने को मिली ऑफ डैश परसेंट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी सो इन द फोर्थ ये देखो ये डाटा वैसे पुराना हो चुका है अभी जो इंडिया का डाटा रिलीज किया गया है याद रखेंगे इंडिया ने 7.2 परसेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट रजिस्टर की है इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी थ्री जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रोजेक्ट किया था कि हम 7 परसेंट से ग्रो करेंगे वहीं पर इंडिया ने सेवन से ग्रो किया है फिर अभी मॉर्गन स्टेनले के द्वारा एक और डाटा रिलीज किया गया जहां पर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर फिजिकल ईयर ट्वेंटी फोर में इंडिया 5.5 परसेंट से ग्रो करेगा ये डाटा आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि हर आप देखेंगे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा रिलीज करती है उसके बाद वो डाटा तभी तक वैलिड होता है लेकिन कुछ दिन बाद फिर आप देखेंगे कुछ उसी के द्वारा कुछ चेंज करके डाटा को चेंज कर दिया जाता है दूसरा डाटा रिलीज किया जाता है तो आपको हमेशा जो लेटेस्ट डाटा है वो याद रखना है नेक्स्ट इसमें तो क्या आंसर हो जाएगा अगर यहां पे देखें तो आंसर था 5.5 परसेंट नेक्स्ट फॉलोइंग इंडियन पीस कीपर्स वर रिसेंटली ऑनर्ड विद यूनाइटेड नेशन डैग हमर्ज गोल्ड मेडल पोस्टली पोस्टली मतलब के बाद उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो तीन लोग हैं कौन कौन से साइबर ताहेर अली सनवाला राम विश्नोई एंड शिशुपाल सिंह नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं उस इंडियन नेवी फाइटर जेट का नाम बताओ जिनको लैंडेड ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवलशिप विक्रांत विक्रांत पे वो लैंड किया फॉर द फर्स्ट टाइम At night. Night time में पहली बार लैंड किया गया किसके द्वारा के द्वारा, ठीक है? ये आपका अरेबियन सी में था वहां पर इसको लैंड कराया गया आ जाते हैं जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया डैश ऑफ एवरी ईयर एज द वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे तो 26 नवंबर को हर साल यहां पर वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा तो अब क्वेश्चन आ जाए पहला एडिशन या फिर इनॉग्रल एडिशन कब ऑब्जर्व किया जाएगा इसका 2023 में ऑब्जर्व किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट और इसके लिए जो रेजोल्यूशन था ना 26 नवंबर को चूज करने का वो तर्क के द्वारा इनिशिएट किया गया था नेक्स्ट डैश बिकेम द फर्स्ट डिजिटल पेमेंट ऐप जिन्होंने एनेबल किया लिंकेज ऑफ टू लेख रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू द यूपीआई वो रहेगा आपका कौन सा फोन पे फोन पे अब वो पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन बन गया enable ,00 Next, है जिन्होंने इनेबल किया है लिंकेज ऑफ टू लेख रुपए क्रेडिट कार्ड्स टू यूपीआई ठीक चलिए नेक्स्ट समर्थ कैंपेन हम भी देख ही चुके हैं अभी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह के द्वारा समर्थ कैंपेन लॉन्च किया गया था टू

इंटरमीडिएटरी एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई जो कि चेयर की गई सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डैश के द्वारा तो याद रखेंगे एस रविचंद्रन के द्वारा हेड की जाएगी इक्कीस मेंबर की एडवाइजरी कमेटी जो कि सेबी के द्वारा सेटअप की गई थी ठीक याद रखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एडवाइजरी कमेटी द एडवाइजरी कमेटी टू कॉप ट्वेंटी प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट की जो एडवाइजरी कमेटी है फॉर उनमें अपॉइंट किया गया है है अभी वो है मुकेश अंबानी काफी है. 28 of of ये कहां पर होगा? में इसको होस्ट कराया जाएगा नवंबर दिसंबर में ये आपका इवेंट होगा करेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं अभी इंडियन नेवी अलोंग विद इसरो द्वारा मिलकर रिलीज किया गया एक रिकवरी ट्रेनिंग प्लान एट द वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी एट द इंडियन नेवलशिप गरुडा कोची केरला आईएनएस कोची केरला में एट देयर वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी के लिए अभी एक मिशन लॉन्च किया गया था वो है गगनयान के लिए इंडियन नेवी एंड इसरो ने टाइप किया और फिर इनके रिकवरी ट्रेनिंग प्लान में इन टेस्ट किया गया एट द वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी एट द इंडियन नेवलशिप गरुड़ा तो ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट आ जाता है रिवॉर्ड ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वॉटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि इंप्लीमेंट किया गया फ्रॉम 2021 2021 टिल डैश तो 2021 से 2026 तक आपका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एंड ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा नेक्स्ट किस इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द एशियन हॉकी मैन चैंपियनशिप इन अगस्त 2023 आफ्टर 15 इयर्स तो वो रहेगी चेन्नई तमिलनाडु में आपका वो पहली इंडियन सिटी बनेगी जो कि पंद्रह साल के बाद एशियन हॉकी मैन चैंपियनशिप को होस्ट करेगी अगस्त दो किस बैंक ने अभी रिसेंटली परफॉर्मर ऑफ द नेट पर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल 23। आपका टॉप परफॉर्मर कौन निकल के आया है इन द एनपीएस मैनेजमेंट वो रहेगा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट के लिए फॉर ईयर कौन टॉप वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट गोल्डमैन शेक्स इन्होंने इंक्रीज कर दिया इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट बाय थर्टी बेसिस पॉइंट टू डैश ईयर ऑन ईयर फॉर कैलेंडर ईयर दो तो इट हैज बिन इंक्रीज टू सिक्स और यही आपका फॉरकास्ट है इसी को अगर हम देखें तो अभी क्या ही क्लॉक की गई है सेवन पॉइंट टू परसेंट इंडिया का डाटा रिलीज किया गया है नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी थर्ड एडिशन ऑफ नेक्सा इंटरनेशनल फिल्म इंडिया अकेडमी अवार्ड जो कि रिलीज किए गए ऋतिक रोशन इन्होंने जीता बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल और आलिया भट्ट ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल फीमेल फॉर हर रोल इन गंगूबाई क्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन फोर नेक्स्ट इन में आईसीआईसीआई बैंक ने रेज कर दिया अपना स्टेक इन आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी अप अपर परसेंट ठीक डायरेक्टली याद रखेंगे और एक चीज और यहां पर आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी होल्ड अप टू फोर्टी स्टेक ऑफ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एंड प्लेन्स टू एक्वायर एटलीस्ट टू पॉइंट फाइव परसेंट बाई बिफोर नाइन्थ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नेक्स्ट नेम द लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो जिनके द्वारा अभी सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सेटेलाइट एन वी एस जीरो लॉन्च किया गया इन टू जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तो वो रहेगी जियो जी एस एल वी एफ ट्वेल्व उस लॉन्च व्हीकल का नाम है ऑफ इसरो जिन्होंने अभी सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सेटेलाइट एन वी एस जीरो वन को लॉन्च किया गया इन टू जियो सिंक्रनस ट्रांसफर ऑर्बिट इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं जीएसएल की बात करूं जियो सिंक्नस लॉन्च व्हीकल पी एस एल वी पोलर सिंकस लॉन्च व्हीकल और एस एस एल वी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नेक्स्ट आ जाता है इंडिया रिक्लेम्ड देयर स्पॉट एज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय ओवरटेकिंग फ्रांस तो इंडिया ने रिक्लेम कर लिया अपना फिफ्थ पोजिशन एज द लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाई ओवरटेकिंग फ्रांस सबसे टॉप पर यूएसए फिर दूसरे पोजीशन पे आ जाता है आपका चाइना अगर मैं यूएसए की बात करूं तो इनकी मार्केट कैप कितनी है स्टॉक मार्केट की तो ये है ऑलमोस्ट फोर्टी फोर पॉइंट फाइव फोर ट्रिलियन डॉलर चाइना की टेन पॉइंट टू सिक्स ट्रिलियन डॉलर जापान की अगर मैं बात करूं ये आ जाता है थर्ड पोजिशन में फाइव पॉइंट सिक्स एट ट्रिलियन डॉलर हॉगकॉन्ग की अगर मैं बात करू फाइव पॉइंट वन फोर ट्रिलियन डॉलर और फिफ्थ पे आ जाता है अब हमारा इंडिया और इंडिया की मार्केट है थ्री पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कनेक्ट करेगी गुवाहाटी असम को न्यू ज जल जो ये कहाँ पर है ये वेस्ट बंगाल में तो हम कह सकते हैं असम को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट किया जाएगा थ्रू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और इसको फ्लैग ऑफ किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया में जितने भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया जा रहा है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही फ्लैग ऑफ किया जा रहा है नेक्स्ट एटीनथ एडिशन ऑफ क्वार्टरली पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज़ किया गया एनएसओ के द्वारा जहाँ पर इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है करंट वीकली स्टेटस उसका डाटा रिलीज किया गया ऑफ 15 प्लस ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनका डाटा यहाँ पे रिलीज़ किया गया ऑफ अनएम्प्लॉयड उसमें बताया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिली है जो कि पहले 7.2 परसेंट थी इन द थर्ड क्वार्टर वो अब रिड्यूस होकर सिक्स रह गई है इन द फोर्थ क्वार्टर करेक्ट तो याद रखेंगे थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर में हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में रिडक्शन देखने को मिली है टर्बो यूपीआई ये लॉन्च किया गया था रेजर पे के द्वारा टर्बो यूपीआई और यहां पर क्या है कि फाइव एक्स टाइम आपका फास्टर पेमेंट करने की बात की गई और ये टर्बो यूपीआई लॉन्च किया गया है किसके द्वारा रिजर पे नेक्स्ट सेबी इनके द्वारा की गई एक 21 मेंबर की कमेटी ये जो 21 मेंबर की इंटरमीडिएटरी एडवाइजरी कमेटी है इसको चेयर किया जाएगा एस रविंद्रन के द्वारा ये हम देख ही चुके हैं नेक्स्ट उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया आईबीएम कंसल्टिंग के साथ टू डिजाइन एंड बिल्ड अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म तो वो रहेगा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके द्वारा आई कंसल्टिंग के साथ टाइप किया गया ताकि एक डिजाइन किया जा सके और बिल्ड किया जा सके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो कि सीमलेस सर्विस ऑफर करेगा एंड टू एनहेंस द एक्सपीरियंस ऑफ देयर कस्टमर्स तो वो रहेगा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक नेक्स्ट किस बैंक ने रिसेंटली रिसेंटलील किया एक नया लोगो और एक कैंपेन जिसकी टैगलाइन रहेगी लाइफ को बनाओ रिच ये लाइफ को बनाओ रिच कैंपेन लॉन्च किया गया है एक्सिस और सॉरी स बैंक के द्वारा ठीक है और एक नया लोगो भी लॉन्च किया है और यहां पर टैग लाइन रहेगी लाइफ को बनाओ रिच नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डी पी आई आई टी डाटा जो कि मे में रिलीज किया गया जो एफ डी आई इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उसमें हमें बाइस परसेंट का डिक्लाइन देखने को मिला टू फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो थ्री बिलियन डॉलर इन फिजिकल इ्वेंटी थ्री टॉप कंट्री कौन सी रहेगी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ला रही है वो है सिंगापुर और एक चीज और बताओ अगर मैं बात करूँ दुबई की दुबई में सबसे ज्यादा एफ डी से आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है ठीक है इंडिया में सिंगापुर से आ रहा है और दुबई में इंडिया से आ रहा है करेक्ट याद रखेंगे ठीक फिर अगर मैं बात करूं सिंगापुर से तो 17.2 बिलियन डॉलर का यहां पे एफ हमें देखने को मिला इन दिस ईयर सिंगापुर के बाद इट वाज फॉलोड बाय मॉरिशियस देन यूएस एंड देन यूएई नेक्स्ट हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू इनको वापस से रीलेक्ट कर लिया गया है एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यू एच ओ फॉर फोर ईयर्स चार साल का इनका फिर से टर्म रहेगा 2024 से 2027 तक 2020 से इनको 2020 में पहली बार अपॉइंट किया गया था और फिर 2020 से 2023 तक ये रहे अब फिर 2024 से 2027 तक इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट फिर आ जाता है व्हाट वाज द थीम ऑफ द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ यूएन एन पीस कीपिंग इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन एन पीस कीपर्स जो कि की ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे तो यूएन एन पीस कीपिंग डे जो कि सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी ऑफ यूएन एन यू एन पीस कीपिंग जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ यू एन पीस कीपिंग भी बोला गया तो उनतीस मे को ऑब्जर्व किया गया पूछा गया है उसकी थीम क्या थी तो वो है पीस बिगिन विद मी करेक्ट और ये पहली बार ऑब्जर्व कब किया गया था 2003 में इस डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था सेकेंड आ जाते हैं किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक फ्लाइट ट्रायल टेस्ट किया गया ऑफ अ सी बेस्ड एंडो एटमोस्फेरिक ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा बे ऑफ बंगाल में कहाँ पर टेस्ट हुआ बे ऑफ बंगाल में टेस्ट हुआ क्या टेस्ट कराया गया बी इंटरसेप्टर बी क्या होता है ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर इंडियन नेवी ने मिल किसके साथ मिलके? के डी के साथ मिलके इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया था ठीक बी इंटरसेप्टर रहेगा करेक्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे नेक्स्ट और ये रीजन क्या था इसका कि जो एरियल इंट्रूजन होता है उसको नलिफाई करने के लिए उससे उस थ्रेड को खत्म करने के लिए इन्होंने इस बीएमडी इंटरसेप्टर को टेस्ट किया कहां पर बे ऑफ बंगाल में नेक्स्ट अगर आपसे पूछी जाए पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहां पर है यह कोची में लॉन्च किया गया है अगर पूछा जाए पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर वाटर मेट्रो कहां पर रहेगी कोलकाता में कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर रही है ठीक वेस्ट बंगाल में है कोलकाता किस रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है हुगली रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है ठीक फिर पहली जी ट्वेंटी की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पर हुई बेंगलोर में हुई ठीक फिर नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर कहां खोला गए हैं चेन्नई में इनको खोला गया करेक्ट फिर सिक्स एडिशन ऑफ एडवांस हेल्थ केयर इंडिया 2023 कहां कहाँ पर हुई ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई करेक्ट फिर एक ई e शर्म ये एक ई e शर्म के कुछ नए फीचर्स लाए गए हैं किसके द्वारा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अभी जी ट्वेंटी का टूरिज्म एक्सपो हुआ था क्या आप बता सकते हैं कहां पर हुआ था जयपुर में हुआ था ये जी ट्वेंटी का टूरिज्म एक्सपो करेक्ट फिर जीरो डे ऑब्जर्व किए गए हैं दो सिटीज में बेंगलोर में एंड हैदराबाद में जीरो डे नेक्स्ट अभी रिसेंटली किस के द्वारा वो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी कौन सी जिन्होंने ई रूपी को एक्सेप्ट किया है ई रूपी क्या है ई रूपी आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी दो सेगमेंट में ई रूपी को लॉन्च किया गया था रिटेल में और होलसेल सेगमेंट में तो अभी किन के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस वो पहला इंश्योरेंस कंपनी बन गई जिन्होंने आपका ई रूपी को एक्सेप्ट किया फॉर प्रीमियम पेमेंट्स चलिए और इन्होंने किसके साथ कोलैबरेट किया फॉर दिस यस बैंक के साथ कोलेबरेट किया नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज की एक रिपोर्ट जो है प्रोमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया हम जानते हैं इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा घोषित किया गया 2023 हज़ार पंद्रह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया था 2018 में घोषित किया गया था और हम जानते हैं जो ये आपके मिलेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रीशियस होते हैं ठीक है प्लस ये फाइबरस होते हैं प्लस इनमें प्रोटीन भी होता है काफ़ी तो इसी को बढ़ावा देने के लिए नॉट जस्ट इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल स्केल पे ताकि इंडिया इवन एक्सपोर्ट कर सके मिलेट्स को टू ऑल राउंड द वर्ल्ड इसीलिए यह लॉन्च किया गया था पूछा जा रहा है कि ये प्रमोटिंग मिलेट्स एंड डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट जो थी किसके द्वारा रिलीज की गई थी तो नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन रहेंगे वो है सुमन के बैरी करेक्ट चलिए इन विच इंडियन सिटी वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड एल लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में तेईस ने बोला किसी भी इंडिविजुअल के अगर हजार प्लस इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं एंड उनका जो डब्ल्यू स्कोर रहेगा वो हंड्रेड प्लस का है तो वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं काफी अलग अलग बेनिफिट्स इनको यहां पे देखने के मिलेंगे थ्रू दिस कार्ड एंड डब्ल्यू ने यहां पर थ्री यूएस डॉलर का अभी अमाउंट रेज किया है बाय अ बेटर कैपिटल जो कि ब्रिटिश प्राइवेट इक्विटी फर्म रहेगी पूछा जा रहा है कि किस सिटी में इसको लॉन्च किया गया था सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड को तो मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इसको अंजी खाद ब्रिज बोला गया ये कहाँ पर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में है 400 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है मई 2023 में यह बन के रेडी हो जाएगा एंड यह आपका जो इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इंडियन रेलवेज टू कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको याद है जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन मिला था या लिथियम के रिजर्व मिले थे राइट तो ये आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं आई एम टी खरखोदा आपका बन रहा है कहां पर हरियाणा में तो ये आपका के एम पी से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा एंड इस आई एम टी खरगोदा में क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे मारुति सुजूक अपना प्लांट सेटअप कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2024-25 तक ये आपका प्लांट बन के रेडी हो जाएगा एंड यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी होगी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जिसमें आप देखेंगे लिथियम का एक काफी बड़ा रोल प्ले होने वाला है एंड यहीं सर आपका रैपिड ट्रांसिट मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी यहीं से आप देखेंगे कि के जा रहा है तो काफी जो हमारी लॉजिस्टिक्स है उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रीज के हिसाब से बहुत ज्यादा डेवलप करेगा नेम द पर्सनैलिटी जिनको रिसेंटली अवॉर्डेड किया गया विद द ऑनरेरी एम बी ई मेम्बर ऑफ द मोस्ट एक्सिलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स द थर्ड तो किन को सम्मानित किया गया इससे एम एन नंदा कुमारा जी को सम्मानित किया गया विद दिस मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा और किंग चार्ल्स थर्ड का भी कॉर्डिनेशन हुआ आपका और इनको अभी किंग बना दिया गया है करेक्ट तो डॉक्टर को एम बी ई जो कि मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित करा गया है इंडिया मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू यू एन व्यूमेन यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इनके लिए यू एन में इंडिया ने फाइव हंड्रेड थाउजेंड यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया यहीं पे याद रखेंगे ये तो क्या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना अमाउंट लेकिन इंडिया ने यूएन में हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए भी एक अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो था एट यूएस डॉलर ठीक है ये भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए डैश बिकेम द इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक जिन्होंने कनेक्ट किया भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ फॉर डिलीवरिंग ऑफ बिल पेमेंट सर्विसेज थ्रू वीडियो बैंकिंग वीडियो बैंकिंग के थ्रू अपने बिल की पेमेंट करने के लिए एंड टू कनेक्ट विद बीबीपीएस वो पहला कमर्शियल बैंक कौन सा बना वो आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा रहेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा जीआई टैग की लिस्ट में टॉप किसने किया केरला ने टॉप किया ठीक फिर इसी के साथ साथ बता दो गज उत्सव कहाँ मनाया गया काजीरंगा में ये कहां पर है असम में राइट right? और ये गज उत्सव को इनोग्रेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया नेक्स्ट आ जाता है विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 18 इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स इंक्लूडिंग द मो घरा स्कीम ये मोहरा स्कीम आपकी एक हाउसिंग असिस्टेंट स्कीम है जो कि ओडिशा में लॉन्च की गई मोह घरा हो गया फिर मोबा स्कीम हो गया यहाँ पे यहीं पर पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था ठीक और ये जो मोह घरा स्कीम है ये इंप्लीमेंट किया गया थ्रू पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा करेक्ट तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर फोर्थ वीक ऑफ़ द मे मंथ ये सेशन काफी हेल्पफुल मिली है तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या लिए और बेटर कंटेंट ला सकू इन लॉन्ग टर्म सो देट सॉल्व फॉर द डे थैंक यू एंडस डे फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर सेवन सिक्स डबल सेवन ट्रिपल थ्री एट सिक्स टू या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई एल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल अफेयर्स क्लाउड अंडर ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं कोड और याद रखना वो है विकास टैन अगर आपको 10 परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं आपको क्रैक 10 के अलावा 10 परसेंट का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड वेबसाइट से रिलेटेड या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया पैसे कट गए या कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर नाइन या फिर आप मेल कर सकते हैं सपोर्ट एट द रेट ऑफ अफेयर्स क्लाउड डॉट कॉम पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेट आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द यूट्यूब चैनल एज़ वेल एज अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल यू कैन गो एंड फॉलो अस एट अफेयर्स क्लाउड टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द कंटेंट और द of courses offered to you or the payment which you did on the application you can contact us on the number provided that is 767733862 apart from this friends you can follow us on the facebook as well as on instagram handle that is underscore official. in the end friends if you use a code that is vikas10 you will be getting an additional extra 10% discount by using this code vikas10 also if you have any problem regarding the course purchase any problem regarding to our application you can contact us on the mobile number that is 9677333862. and if you want to mail us you can also mail us on support at the rate of affairscloud.com and i assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue